उनके ZH जावेद भी एडवोकेट है, ZH जावेद साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सो रहे थे क्या 2016 में? क्या तारामाक रिमार्क्स इनके सामने बात नहीं हुई या इनके सामने कोई डिस्कशन नहीं हुआ? इतनी बड़ी जागीर का शुक्रिया अदा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब किस लिहाज से कर रहे हैं? कौम को बेवकूफ बनाने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, मैं आपके रिकॉर्ड में बोल रहा हूं। जो सुप्रीम कोर्ट का 150 पेज का क्लियरली लिखा हुआ है, स्टेट ऑफ तेलंगाना वर्सेस स्टेट वक्फ बोर्ड, ये पूरे विद सिविल पिल नंबर से पूरे, ये पिल नंबर के बाद हेमंत गुप्ता इसके जजमेंट दिए, इसका जजमेंट मैं आपको ऑर्डर की लाइन से सुना देता हूं। इन व्यू ऑफ द अबव वी पास द फॉलोइंग ऑर्डर, द सिविल अपील्स आर अलाउड, द ऑर्डर पास बाय द हाईकोर्ट आर सेट असाइड। जो वक्फ ट्रिब्यूनल से मिला, सिविल से मिला, हाईकोर्ट से जो वक्फ बोर्ड के फेवर में ऑर्डर मिला वो सेट असाइड हो गया। और लैंड एडमेजरिंग 1654 एकर्स इन 32 गुंटास वेस्ट विद द स्टेट एंड और कॉर्पोरेशन फ्री फ्रॉम एनी इनकंबरेंस, इस पे हमारा कोई हक नहीं है। ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का और ये ऑर्डर की अपील और डेट बता दे रहा हूं मैं आपको, ये सिविल अपील है 2016 ये पूरे 8 अपील्स 2016 के हैं। 2016 में के चंद्रशेखर राव साहब की टीआरएस गवर्नमेंट थी। अब इसके राष्ट्र जिम्मेदार आवाम को हमको ये बताना है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का एक एमपी कोटे में जो एमपी आता है वो शुरू से जब से हम एमपी बने, जब से उन्होंने एमएलए भी थे वक्त उन्होंने, ये बात आप लोग मेरी पॉइंट करिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब वक्फ बोर्ड के बोर्ड मेंबर है, उसके बाद एमएलए साबिखा में मौजम खान साहब थे, अल्ताफ हैदर रिजवी एमएलसी कोटे में थे, अब कौशल मोहीउद्दीन साहब है, फारूक हुसैन साहब है, अकबर निजामुद्दीन साहब भी एमआईएम के है, ZH जावेद भी एडवोकेट है, ZH जावेद साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सो रहे थे क्या 2016 में? क्या तारामाक रिमार्क्स इनके सामने बात नहीं हुई या इनके सामने कोई डिस्कशन नहीं हुआ? इतनी बड़ी जागीर का शुक्रिया अदा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब किस लिहाज से कर रहे हैं? कौम को बेवकूफ बनाने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, मैं आपके रिकॉर्ड में बोल रहा हूं। उनकी क्लिप आप देख सकते हैं, उनके लाइव वीडियो उनके पेज पे है, जो केसीआर साहब की काफी मशक्कत थी सुप्रीम कोर्ट में मणिकुंडा जागीर बचाने की। बताइए किसके लिए बचाए, गवर्नमेंट के लिए बचाए या वक्फ के लिए बचाए? एक्चुअली करना ये था, ये 2016 में जो केस नंबर पे लेके आए इसमें एक आपको डालना था एफिडेविट, वी आर विड्रॉइंग फ्रॉम एंड वी आर गिविंग दिस लैंड टू वक्फ बोर्ड। आपके साथ आपके वकीलों को निकाल दिया गया, रातें रात एक ऑफिसर को निकाल दिया गया, जो एमआरओ थे जो काफी नॉलेज रखते थे उनको निकाल दिया गया, लॉ सेक्शन बंद है वक्फ बोर्ड का, रिकॉर्ड सेक्शन